पाव भगवान ने दिया है तो करना ही पड़ेगा, कोई ये नहीं कर सकता। काम तो जब आए हैं तो करना ही है, वैसे ही करना। सब लोग 12-12 घंटा तो करते ही हैं, किसी का मतलब ताकत का काम नहीं है, किसी का ताकत का काम है, किसी का मैंड का काम है, ये तो किसी का हाथ पाँव चलाने का ये काम है, कोई ऐसा है कि दिमाग चलाओ, फिर किसी का हाथ पाँव चलाना तो पड़ेगा ही, किसी का दिमाग, किसी का पेन चलता है, कोई कोई अलग अलग सिस्टम रहती है, कोई कोई मशीन चलाते हैं, तो हम कोई कोई अलग चीज़ से ये करते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। मशीन कोई बटन से कंट्रोल करता है, कोई अपने दिमाग से कंट्रोल करना पड़ता है। अपना काम में मेरे को ये जो घुमाना है, अभी मैं घुमा सकता हूँ तो मेरे को कंट्रोल मेरे दिमाग में करना पड़ेगा, तब मैं ये कंट्रोल करूँगा। वो क्या है, वो नुस्खा बटन दबाने का, वो कंप्यूटर सिस्टम है, अपन इधर इधर ताकत और दिमाग दोनों चाहिए, नहीं तो पाँव नहीं तो हाथ टूटना ही टूटना। पर इसमें इतना 220 किलो ये रहता है कैरबा, वो 100 किलो का है, उससे आगे वाला 60 किलो का है, अलग अलग सिस्टम का रहते हैं, अलग अलग उसका वजन आता है, उसके हिसाब से वो बनता है, जैसा कलर बनेगा वैसे हिसाब से वो प्रॉब्लम आएगा, जैसा वैसा कलर बनेगा उसका। जिसको 60 चाहिए 60, 50, 40, 35 जैसा होगा वैसा, 100, 200, 220 इतना तक कलर बनता है, जैसा मैचिंग आएगा वैसा कलर बन सकता है।
खापांगे दूसरे दूसरे गैस पे में कैसे पूरे में हमें बचाना भी है और खाना भी बाल बच्चा भी पालना है सब तक दिमाग से कि बाल बच्चा दो भी है पालना उससे के है इसी से तो और में 1000 रुपये बच गए 1500 बच गए 2000 बच गए बचा के 30 दिन मिल नहीं चलता सर हम देखिए 36 घंटा 48 घंटा 50 घंटा करे क्षमता है सर लेकिन अपन देह के ओढ़ के शरीर को ओढ़ के जैसे हो गए कि पैसा दो पैसा बचे गरीबता का हल करें सर तो अमीर हम निकाल आमीन सर यार सब कुछ घरे है ही है क्या करे तो क्या चीज कमी है इन गरीबता क्या कहता है अब लगता है गरीब आदमी यहाँ चल आता सर वहाँ से कर्जा ले एक आदमी यहाँ आता सर घर नहीं रहता सर किसी से सूझी 10 पे सैकड़ा 5 पे सैकड़ा ले के यहाँ आता है कमाता मेहनत करता सर 12 घंटा ड्यूटी यहाँ है सर 12 घंटा 8 बजे कंपनी में हेलता सर 8 बजे रात तक भी निकलेगा सर और फिर वहाँ जाएगा तो फिर पकाना है तब खाना है फिर डबल करेंगे फिर डबल आवेंगे 2 घंटा रेस्ट करके फिर 9 बजे आ जाना है कंपनी में लेकिन आचारी क्या करता है गरीब की गरीबता क्या सर गरीबता कल काम जी आता है सर अपना क्या बाल बच्चा सब कुछ त्याग करते जननी जोरू माए बाप सब कुछ त्याग काम करता है सर आचारी क्या बनता है सर कोई उपाय नहीं सर जी हम बताते हैं सर कि हम अपना हमको दबाव से काम नहीं ले रहे हैं हम तो अपने कर्जा लेके यहाँ का कमा रहे हैं अपना गरज से अपना बाल बच्चा पालने के लिए दबाव का मतलब है सर कि दो बात करके हम घर में हैं आदमी दो बात करके हम ले चलिए काम करें हमको काम करेंगे नहीं करिएगा हम तो अपने 1600 किलोमीटर से दूर से आके सर 16000 किलोमीटर दूर आके यहाँ ला के हम काम कर रहे हैं अपना गरज से कर रहे हैं दबाव तो कोई दिए नहीं हम सफर के मिल में आते हैं मिल में आके काम कर रहे अपने गरजू हैं हमारे हजारों आदमी 4 गो बिजनर बोगी है सर आगे 2 गो पीछे खड़े हो पुल बैठे की जगह नहीं है 36 घंटा खड़े हो रहा है नहीं पानी पे पेट ठेकान नहीं खाना भूंजा चुना लाए वो खाऊंगे कि खा सकते हैं अनाज के 36 घंटा खाने से कोई मतलब नहीं
दस का प्रॉफिट खर्चा जो भी है खैनी छीन ली और उसके बाद कम से ज्यादा छीन ली और चौड़ी तो खैनी छीन ली। सिगरेट पे सकती तो है नहीं, सिगरेट मिला 10 रुपये में 5 रुपये सिगरेट मिलता सर, तो फिर तो सकती नहीं खैनी 2 रुपये में लेंगे तो दिन भर समय कर जाएगा सर। काम कर रहे हैं दिन भर तो जैसे खैनी खा के दाम मिलेगा सर, खैनी खा रहे थे जैसे राहत मिला खैनी कोई भी देखेंगे आप सभी आ गए हैं सर, सेठे आ गए हैं दिन में काम कर रहे हैं 10 मिनट खैनी खा रहे हैं वह वहाँ जैसे बैठे का मौका तो मिल गया सर। इधर उधर कोई काम करते 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 हाजिर 12 घंटा पूरा हो गया। जो भी जब जल्दी प्रातः हूँ गेट पर से लगता है कि वापस घूर जाऊँ पीछे में बैक हो जाऊँ। जब गेट पर आता हूँ ना रुकी पड़ता अंदर से तो पीछे में लगता है कि बैक हो बाइक होने बंदा नहीं। छोटा को मैं सीख जाएगा कोई कलकारी ना वो बड़ा को मैं नहीं सीख पाएगा। अगर ये मशीन हो मशीन बना वाला चीज है छोटे को मैं ध्यान देते रहेगा ना तो बड़ा को मैं बहुत तेज बन जाएगा कलाकारी हो जाएगा। कोई भी चीज़ सीखो तो छोटे को अगर हमने सीख जाएंगे ना कोई भी काम सीख सकते हैं।
मलों की रानी मैं गलियों का राजा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी है क्या अगर रूठ के चली जाएगी फिर मेरी मरने की खबर आएगी
ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी है क्या, अगर रूठ के चली जाएगी मेरी मरने की खबर आएगी। देश ने ये गुजरात ने क्या किया, लेकिन काफ़ी मतलब गरीबों को पेट पाला। अब पेट पाल भी रही है, किसी घर में कुछ नहीं है तो कम से कम आ करके छोटा बच्चा हुआ 10 साल 15 साल का 20 साल का, तो आता है तो 2-4-6 हज़ार का महीना पानी लगता है। वो भलाई ना बचावे लेकिन फिर भी इतना तो कमाता है कि मान लो कितना तो पेट पालता है। हर जगह लेबर की कमी नहीं, यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आदमी यहाँ ना हुए कि ये गुजरात कोई काम का नहीं है, कोई मक्खी आने वाली नहीं है, सब मिल चलने वाली नहीं। अगर वर्कर चाहे लेबर चाहे लेवे सेठ को जहाँ बैठा लिया वहाँ सेठ बैठे, लेकिन वर्करों में एकता नहीं। अगर वर्करों में एकता होए तो आज ये वर्करों में इतनी दुर्दशाएं इतनी खराब ना हो कि आज जो 12 घंटा काम करके तो 8 घंटे का पैसा मिले और 8 घंटे के ड्यूटी करके अपने घर पे जाऊं, हक फंड बोनस रजा सब मिले, यहाँ तो पगार पाओ अपना तनख्वाह पाओ सीधा निकल लो पत्नी गली से, यहाँ कुछ नहीं, हक ना फंड बोनस रजा कुछ नहीं।
यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, बस वही खाली अपना जो महीना ड्यूटी करोगे अपना पगार उठाओ और जाओ। जिसमें को कोई प्रॉब्लम आया कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया, जो धापड़ मारा चल बाहर निकाल चल, इसमें ये प्रॉब्लम। अगर लेबर में एकता हो है, तो आज ये दिन लेबर के ऊपर ना हुए, आज लेबर शेर बन जाओ शेर, लेकिन क्या आगे लेबर बकरी बनी है, एकता नहीं है लेबरों में, एकता लेबरों में इसके लिए एकता नहीं है कि अगर एकता हो जावे तो 8 घंटे के मील हो जावे, जितना कहें लेबर उतना ये सेठ लोग करें, परंतु क्या एकता अगर करते हैं तो एकता वाला जो आगे होता है तो उसको बिल्कुल उड़ा दिया जाता है, साफ करते थे उसको मार डालते हैं। क्योंकि जैसे यूनियन करते हैं आपस में सब लोग रहते हैं तो आगे पड़ गया हो कि इसका लीडर कौन है, ये है, तो उसके लीडर वाले जो है सामने जो सेठ लोग जो सब मिल करके सब उसको साफ कर देते हैं। यूनियन में तो मैं ही हो गया समझो, यूनियन होती है लेकिन वो कंडक्टर के नीचे होती है, अगर कंडक्टर खराब है तब वो यूनियन करेगा, कंडक्टर सही है तो उसकी ताकत नहीं कि यूनियन कर देंगे। आज मेरी ताकत है, मेरे लेबर कहीं जाएगा नहीं तो यूनियन क्या करेगा यार, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है मेरा, मैं उसको तो झापड़ मार सकता हूँ। आप यहाँ से छुट्टी हो गए, मील बंद है तो तुम कहाँ करोगे, चले जाओगे यूपी, यूपी गए वहाँ से तुम यहाँ केस देखने के लिए आओगे। एक सिंपल बात है आपको मैं बता रहा हूँ, ना तो तुम कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, ना तो हम यूपी से यहाँ 500 रुपये लगा के आएंगे 500 रुपये लगा के जाएंगे, एक केस देखने में 1000 रुपये जाएगा, जो यहाँ आएंगे खाना पीना खाएंगे वो अलग अलग की बात, सर जी तकलीफ उसमें होता है। जिसको आज खाने का फाफा है, जिसको खाना नहीं मिलता है, वो आदमी सोचे कि मैं यूपी से आके यहाँ केस लड़ूंगा, तो लड़ेगा वो।
इसके लिए यूनियन कमजोर हो जाती है, ये यूनियन वाले का लेबर का साथ नहीं दे पाते। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हमेशा लेबर के लिए तैयार रहता है, उसको जब भी 50 रुपये जरूरत है 50 रुपये देता है, 100 रुपये जरूरत है 100 रुपये देता है, 500 जरूरत है 500 देता है। इसके लिए कंडक्टर सक्सेस है, यूनियन कमजोर है। मेहनत के हिसाब से पैसा यहाँ बहुत कम। अगर हम ये हैं और मैं हूँ, दो आदमी हैं, दो आदमी क्या कर सकते हैं। अगर चाहें कि 2 दिन का खाड़ा मार देते हैं तो कंपनी हमारे 2 आदमी के रूम में बैठ जाने से तो बंद नहीं होगी। एक आदमी सोचता है कि कंपनी या सेट के ऊपर कदम उठाया जाए, दूसरा आदमी सोचता है नहीं नहीं ये गलत है भाई, हम भूखे मर जाएंगे, यहाँ हमारा कौन है, हमको कौन यहाँ खाना पीना देगा। ये सोच कर सभी लोग जैसा है उतने में खुश हैं, लगे हैं। खून तो क्यों खोलेगा, काम कर रहे हैं, काम का पैसा ले रहे हैं तो खून क्यों खोलेगा, ऐसे थोड़ा खून खोलता है। किसी बात से गुस्सा है तो खून खोले, कोई बुरा बोलेगा तो खून तो खोलेगा। पर सेठ थोड़ा हमको बुरा बोलने आता, वो तो हम आपस के ही लोग सब बुरा बोलते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। दूसरा आदमी है कोई आता ही नहीं बोलने के लिए, सेठ हमारे पास कभी नहीं आता, सेठ को पहचानते ही नहीं कैसा है सेठ, कौन है, क्या है, नहीं मालूम है सेठ के बारे में। कंपनी का गेट जानते हैं कि हमारी कंपनी है, इसमें हम वर्कर हैं, इसमें काम करते हैं, अपना खाता जानते हैं, अपने रूम जाते हैं आते हैं, बस बस इतना ही है हमारा, यहाँ से रूम से फैक्ट्री बस। नहीं तो हम सेठ को जानते हैं कि सेठ का शक्ल कैसा है, चेहरा कैसा है, कुछ नहीं जानते। My home expenditure has just doubled in 12 years. It just doubled. So the person who got an escalation of maybe 4 times, what these illiterate people will do? They will end up this money in maybe tobacco, maybe alcohol, maybe some other rotten things. They'll spend it. It's not that they are sending it at home. Almost of them, 50%, they don't care about their family. 50% people don't care. Maybe their wife and children are roaming here and there. Their wife is washing utensils in somebody's home. Or maybe she is begging. They care at them. 50% people are like that. The only
can be motivated, Indians can be motivated only in terms of salary. Give me more, I want more. They understand only one thing, money. Now, earlier it was not the case. The person who's working with us from the day one, 12 years back, his salary is nearly 10 times I used to pay at that time. But at that time, the sincerity level was so good that I used to appreciate him. But now he's getting 10 times more salary, he's much more relaxed. Any problem, that is his problem. Earlier it was it used to be his problem. He used to worry for that. He's so relaxed now. Basically, what government says, pay him so much that he should be feel comfortable. And what my feeling says, if he gets so comfortable that he saves money also after the salary, he gets so relaxed that let the company go to hell. I am relaxed. Earlier his stomach used to be empty. So he was so much worried about the company and his stomach also. Now his stomach is filled, extra money also he's having. So he's fuck off, the company should fuck off. He's less for them.
खेती किसानी में कुछ हो नहीं रहा, खेती करते हैं। इस बार धान का फसल था पूरा सूख गया, इसके बाद आलू फसल आया, आलू में 20 रुपये किलो का आलू बोया गया, उसके बाद 5 रुपये किलो का बिका। बोलो किसान उसमें कितना प्रॉफिट पाया, कितना उसका लॉस हुआ? 15 रुपये किलो का तो उसका ऐसे लॉस हो गया। उसमें कितना निकलेगा, कितना क्या करेगा, अपने बच्चों को पालेगा या उसमें खेती में लगाएगा अगले जो अपना गेहूं का आ रहा है या उसमें और कुछ बोएगा, तो उसके लिए कैसे लाएगा, कहाँ से लाएगा? मेन पे आ रहा, जब उसका 15 रुपये घर से ही चला गया, 5 रुपये जो मिला वही 5 रुपये में अपने बच्चों को पालना है, उसके बाद अपना 5 रुपये में ही अगला फसल देखना, पढ़ाई के लिए भी देना है, क्या करना है वो सब करना ना पूरा ही नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो सीधा बाहर भागे ना, तो भाग तो कहीं भी जाना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, जो अपने खुशहाल है वहाँ जाना ही पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में कोई रिसर्च करता ही नहीं है, बस खाली आएंगे और देख करके चले जाएंगे, जनता क्यों बेहाल है, जनता में क्या प्रॉब्लम है, ये सब देख करके इसके बाद किसी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बोल रहे हो ये लोग की मजबूरी क्या है, ये लोग मजबूरी आपके सामने प्रस्तुत कर तो रहे हैं, लेकिन आप चोपड़े में लिखिए और अपना भी साइन करिए, कारीगर का साइन लीजिए, इसके बाद 8 घंटे का ड्यूटी करवाइए ना, जो 12 घंटे की ड्यूटी है 8 घंटे करवाइए, अगर आपके पास क्षमता है करवाइए, और सब लोग सब कारीगर सहमत, 12 घंटे का मिली जितना कारीगर है सब सहमत है। आप जहाँ ले चलेंगे अभी चलेंगे, ड्यूटी भी नहीं करेंगे, सब चलेंगे। हाँ भाई चलोगे? बोलिए आप किस लिए यहाँ पर आए हैं वो बताइए, इसके बाद जैसा रीजन है आप बताइए। खाली सब लोग का भाषण सुन, सब लोग का आवाज़ सुन करके आप चले जाएंगे बस, और ऐसे ही नेता लोग आते हैं वो लोग अपना भाषण किए और चले गए, कारीगर तो अपना कारीगर है या जनता है वो तो ऐसे भी लगती रहती है। अगर कारीगर के सापेक्ष में आप आए हैं, कारीगर का सहयोग देना चाहते हैं, तो आप बोलिए क्या करना है। अल्लाह ताला के पास संतोष करते हैं। सब लोग तो मर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ तो लेकर नहीं जा रहे हैं, पैसा वाला भी हैं जे ऐसे ही जा रहे हैं, सबको तो यहीं रह जाता उनको भी।